आज का पहला सवाल है, चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश ने की थी? ऑप्शन ए जापान ने, ऑप्शन बी चीन ने, ऑप्शन सी भारत ने, ऑप्शन डी है भूटान ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल किस राज्य की राजकीय पंछी है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी झारखंड। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी है भेड़ी, ऑप्शन डी भैंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भेड़ी। भेड़ी के दूध में क्या होता है, प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, कागज बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है शीशम, बी अशोक, ऑप्शन सी पीपल का, डी है बांस का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बांस का। नेक्स्ट, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी हीलियम गैस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चैनल को पहली बार चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, रावण की पूजा किस देश के लोग करते हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज में कितने गियर होते हैं? ऑप्शन ए है 20 गियर, ऑप्शन बी 35 गियर, ऑप्शन सी 40 गियर, ऑप्शन डी है 52 गियर। वीडियो अच्छा लाइक कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 40 गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है ए मलेरिया, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी है पायरिया, ऑप्शन डी चेचक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन किया? ऑप्शन बी है ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन है ए तिरंगा, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी चक्र जो अशोक चक्र, ऑप्शन डी है अशोक स्तंभ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में नीचे देना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।